the ratio of radius of gyration of a circular ring and circular disc of the same mass and radius about an axis passing through their centers perpendicular to the planes. ये हमारे पास, हमने एक रिंग ले ली और रिंग के सेंटर से जिसका मास एम आर है उसका हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन. ऐसे हमारे पास ये डिस्क है, इसके सेंटर से पास होता हुआ जो एक्सिस है उसके अबाउट हमको इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है. तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि पहले जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहे हो उसी एक्सिस के अबाउट आप पहले निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर के बराबर कर दो, ठीक है ना. तो क्योंकि ये रिंग है तो मैंने के सबस्क्रिप्ट आर लिखा है यहाँ पे, तो इस एम आर स्क्वायर को एम के स्क्वायर के बराबर करो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन आर के बराबर आ जाएगा. सिमिलरली ये जो हमारी डिस्क है, डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का वो हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट, और इसी हाफ एम आर स्क्वायर को एम के स्क्वायर के इक्वेट करना पड़ेगा. तो एम से एम कैंसिल, तो के हमारे की टू इधर चला जाएगा तो के आ जाएगा हमारा आर बाय रूट टू, ठीक है. तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, तो के आर अपॉन के डी करेंगे, आर से आर कैंसिल, रूट टू आ जाएगा हमारा.